I like to welcome you once again to our session number 35 on total quality management. And these are the sessions which are really focused towards long-term focus, strategic focus. वो छोटी पर focus, on जो बहुत दूर नजर आती है, लेकिन और हम उस लिहाज से लर्न कर रहे थे जैपनीज से कि उन्होंने कौन से वो टूल्स इस्तेमाल किए कि जिससे उन्होंने बहुत सारी चोटियां सर की साउथ अमेरिका की, की थी यूरोप अबाउट साउथ ईस्ट एशिया कोई चोटी ऐसी नहीं है मार्केट की चोटियां and enter confidence. How? Well, they planned well. Well, they had a good process. And behind the process, they were competent people. Pakistan, we have you, qualified, competent, committed, nationalist, patriotic, processes, in the form of ISO 9001 quality management system, are getting consistent and developed and documented. Naturally, we have a will to enter and to reach at so many cliffs. We have done it in textile, we have done it in surgical goods, we have done it in sporting goods. ट मिर्च मसाले पाकिस्तान की वो कंपनियां जब हम नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कंपिटिटर भी हैं इसलिए कि ये स्पाइसेस बनाने वाले तो बहुत सारे मुल्क हैं बट वेन इट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू सी द मार्केट इसका मतलब ये है कि वहां की मार्केट की चोटी को ये सर करके आए कंपटीशन तो गुजारिश ये है कि ये जो टूल हम लर्न कर रहे हैं मसल हमने लास्ट सेशन सारा होशन कैनरी डिप्लॉयमेंट एट द डिविजनल लेवल दीज टूल्स कैन बी यूज इंडिकेटर्स को शेयर करते हुए और इंटीग्रेट और रिलेट करते हुए वो कैसे अचीव होंगे क्या टारगेट्स होंगे डेटा कैसे जनरेट होगा और प्रूव करेगा कि हां चोटी पर जाने के लिए पांच मील का सफर तीन आदमियों के साथ सौ गैल पानी और दस डब्बे बिस्किट और पांच डब्बे खजूर रिसोर्सेस हैड इट दे रीच एट द क्लिफ एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तौर पर आईमैक्स थिएटर में पांच मंजिल ऊंची स्ट्रीन पांच मंजिली फी फिफ्टी वो डॉक्यूमेंट्री पे लोग कैसे चोटी को सर करते हैं कैसे चांद को सर किया गया बिलीव मी दे वर पीपल लाइक यू चूंकि वह एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री थी तो उसमें फिर उन्होंने स्कूल के बच्चों से पूछा वुड यू लाइक टू गो अनमून दस द क्वेश्चन इज देन वट इज दक्सेस फैक्टर वेल आई विल वर्क हार्ड आल डू समाइज आल गेट रेडी एंड लर्न वट एवर इज रिक्वायर टू यू नाउ गो अपर जब आप चोटी पर सर करने जाते हैं माई डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन भी कम होती है अपहिल सफर है कंपिटिशन भी टफ है बहुत सारे लोग गए गया एन वंट यू रीच एड दॉप ऑफ केट अच्छा वो कैमरों का भी बड़ा कमाल था आई मैक्स के जो कैमरे साथ गए टीम सारी टू मिनट्स इसलिए कि फिर वहां पहुंचकर थिंक ऑफ द विंड थिंक ऑफ द स्नो थिंक ऑफ द कंडीशन दिल गुर्दे का काम है और हम पाकिस्तानियों के दिल गुर्दे किसी से कम नहीं है तो आइए फिर प्लान करें लर्न करें हाउ टू ट्रांसफॉर्म आवर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन विद स्ट्रॉग विल कमिंग फ्रॉम पीपल लाइक यू एम बी बीएसआईटी, बीएस कंप्यूटर साइंस ऑल दी स्टूडेंट्स वो टेकिंग दिस कोर्स हाउ टू ब्रिंग क्वालिटी मैंने आपसे डिप्लॉयमेंट नेक्स्ट डायग्रामी लेकिन आज हम उस डायग्राम को कहेंगे क्यू एफ डी क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इसको हम हाउस ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं एंड वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स इट्स ए इट्स ए टूल जैपनीज यूज इट वेरी ऑफन उनके यहां कोई प्रोडक्ट बनता ही नहीं रिमेंबर विद कस्टमर रिक्वायरमेंट्स विल ड्राइव द प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस कस्टमर रिक्वायरमेंट्स वुड ड्राइव द रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस मैं आईओ सू की की बात कर रहा हूं क्योंकि वो सिस्टम हमने डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो हर प्रोडक्ट की रियलाइजेशन के पीछे होनी चाहिए वो जमाना चला गया मास कस्टमाइजेशन वाला तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए एक ऐसे प्रोडक्ट में एक ऐसी सर्विस में एक ऐसे सिस्टम में कि वंस इट रीच इन द हैंड्स ऑफ द कस्टमर द कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप मैट्रिक्स हमने कहा था ना क्या होगा वो सक्सेस फैक्टर्स अब यहां सक है जो कस्टमर कह रहा है वॉइस ऑफ कस्टमर उसको सुनिए उसको महसूस कीजिए उसको लिखिए अपनी लॉजिक तो मैं चूंकि मार्केटिंग मैनेजर हूं मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है और कौन से ऐसे टूल्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड एनालिसिस के लिए भाई उसको क्या जरूरत है तो व्हाट इज वाज़ द वॉइस ऑफ कस्टमर अब यहां पर हम लेफ्ट साइड पर वाई एक्सिस पर कस्टमर वांट्स व्हाट डज द कस्टमर वॉन्ट व्हाट इज द दॉस ऑफ कस्टमर एक दो तीन चार पांच एक्स एक्सिस पर जेंटल एक्सेस पर हाउ वुड यू लाइक टू डू इट यही था ना वट हाउ वॉइस ऑफ कस्टमर हैज टू बी रिलेटेड हैज टू बी अलाइन हैज टू बी मैश हाउ कैन कंपनी डू इट वॉइस ऑफ द कंपनी वॉइस ऑफ द प्रोसेस कुछ बात बनती आ जा रही है ना टूल वही है हमने उसका फोकस चेंज कर दिया और अगर ये टूल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने दफ्तर में अपने अपने लिए वट डू यू वॉन्ट राइट डाउन ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द टॉप, प्लानिंग कीजिए ना मुझे पता है प्लानिंग करने के बाद फिर ये डॉक्यूमेंट कहीं रख के भूल जाते हैं लेकिन वो लोग जो प्लान को अपने सामते हैं और उसके मुताबिक वो और मंजिल भी, होती है और, भी होती है और अभी तो टीनेजर है वो थिंक ऑफ हर आर नॉट वी प्राइड ऑफ हर द शी इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोग्रेमिंग बॉल क्योंकि सबसे टॉप की जो कंपनी थी उसके चीफ एक्ट तो पाकिस्तान से सियाटल में बुलवाया <laughs> गलत नहीं कहता हूं कि हम करने पे आए बहुत कुछ करते हैं तो काश प्लान कीजिए बहुत कुछ करें तो आज हमने करना यह है कि लेफ्ट साइड पर वॉइस ऑफ कस्टमर को रखना है आपका कस्टमर वो आपका नेक्स्ट बैठा हुआ साथी भी हो सकता है कुलीग वो घर में आपके वालदेन भी हो सकते हैं वो कस्टमर भी हो सकता है जिसके लिए आप दफ्तर में प्रोडक्ट बना रहे हैं सारी चीजें हैं अपनी जगह पर तो वॉइस ऑफ कस्टमर क्या है उसको लिख लीजिए एंड हाउ वुड यू लाइक टू डू इट पैन कीजिए लेट्स मूव ऑन इट्स ए रिलेशनशिप मैट्रिक्स और देखने मैट्रिक्स क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट हमें यह भी प्रोविजन देती है कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए रिमेंबर वी वर टॉकिंग अबाउट लेटेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर कुछ ऐसी चीजें जो अभी आप पूरी नहीं कर सकते हैं. कस्टमर चाहता है वो तो देखिए थोड़े पैसों में बहुत यूटिलिटीज उसको मिल जाए लेकिन कस्टमर रैशनल भी है वो अपनी uh, फॉर द मनी भी है, तो, तो, ताहिए। भी ताहिए। था था है। दिस तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को सोचना चाहिए जब लोगों के एसएमएस ट्रांसफर नहीं होते लोगों की कॉल ड्रॉप हो जाती है लोगों को नेटवर्क बिजी मिलते हैं मुझे नहीं मालूम आपने कितने यूजर्स ऐड कर दिए वट आई इज जस्ट वट आई इज़ आई एम पेइंग यू मनी बर्डन वट आर द बेनिफिट्स व्हाट आई एम गैनिंग फॉर द मनी विच आई एम पेइंग हाउ वुड यू लाइक टू डू इट वॉइस ऑफ कंपनी टेक्नोलॉजी ऐड करेंगे प्रोसेस इंप्रूव करेंगे लोग ऐड करेंगे नया प्रोसेस लेकर आएंगे क्या करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है आपको भी उसी तरह से स्टेप वाइज गाइड भी करता है प्रायोरटाइज भी करता है और एक और चीज भी इसके अंदर देखिए आप राइट हैंड साइड पर कंपटीटर इवेलुएशन कहा पर कंपटीटर नहीं होंगे हर जगह है कंपटीटर के बगैर तो ये दुनिया फिर देखिए कंपिटिशन कैसे हो देखिए लेकिन ये तो लेवल एक्सेलेंस है और हम ऑर्गेनाइज एक्सेलेंस ही डायग्राम के अंदर इस मेट्रिक्स एनालिसिस के अंदर इस रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर आप अकोमोडेट कर सकते हैं लेट मी देन मूव ऑन हेयर इट कम्स है यही मेट्रिक्स डायग्राम लेकिन वट और हाउ वट हाउ वट द कस्टमर वन

देखिए प्राइमरी मुझे मोबाइल फोन चाहिए और ऐसा मोबाइल फोन हो फोन विद ए कैमरा सेकेंडरी रिक्वायरमेंट ये फोन ऐसा हो जिन नजर आ जाए उनकी बैल भी सुने उस स्क्रीन पे भी मुझे नजर आए कैमरा ऐसा है जिसकी पिक्सल क्वालिटी बहुत अच्छी हो जिसकी बैटरी पर रिक्वायरमेंट फ्लैश की कम हो जिसकी मेमोरी बहुत ज्यादा हो अब मैं बहुत ज्यादा को डिफाइन नहीं कर रहा ये सेकेंडरी रिक्वायरमेंट है अब आप टेस्टरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाइए या कस्टमर से पूछिए या खुद डिसाइड कीजिए ये कस्टमर ने तो आपको प्राइमरी रिक्वायरमेंट दी थी आई वॉन्ट ए फोन आई वॉन्ट हियर द वॉइस क्वालिटी एंड यूजर फ्रेंडली एंड कैन रिक्वायरमेंट होंगी टेस्ट रिक्वायरमेंट क्या होंगी कि मेट्रस डायग्राम आपको ये भी प्रोविजन देती है हमने अभी तक सिर्फ प्राइमरी रिक्वायरमेंट की बात की थी इसी तरह से हाउ के अंदर जैसे वो कहा था ना केमिकल कंपनी वाले ने कि वी वुड लाइक टू अचीव

टेस्री वट को सेकेंडरी हाउ के साथ कैसे रिलेट करेंगे कौन सी कहां पर अभी तो सिर्फ प्लानिंग हो रही है यू सिटिंग ऑन द टेबल एंड ट्राइंग टू मैच द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी वॉइस ऑफ द कंपनी वॉइस ऑफ द प्रोसेस वॉइस ऑफ प्रोडक्शन वॉइस ऑफ डिजाइन वॉइस ऑफ इन्वेंट्री वॉइस ऑफ डिलीवरी विद वट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर विच विल सेटिस्फाई ठीक है इसका नाम क्या है वैसे तो मेट्रिक्स डायग्राम है लेकिन हमने क्या नाम दिया है इसे कुछ जहन में आया थोड़ा मुश्किल है लेकिन पूरा नाम अगर नहीं आता तो कम ये ये quality, function, से कम यह जरूर याद रखिए कि यह हाउस ऑफ क्वालिटी है क्यू एफ डी क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्वालिटी डिप्लॉय करेंगे तूल वो ही है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है अब हमने घर बना दिया है बट प्लीज नोट एट द बॉटम इट स्टार्ट एंड बिगिंस विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट भी चेन है यू हाउस, देखिए मैंने कहा था ना वट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इस ऑर्गेनाइजेशन पर फोर्स इसके अलावा तो कोई नहीं ना आप मुझे बताइए कोई ऐसी कंपनी है जो कहे कि हमने अपने कस्टमर्स को नाराज करना है अरे नाराज कर भी लेंगे तो फिर तब वो मार्केट में सर्वाइव करेंगे या कुछ लोग कहते हैं साहब कस्टमर तो ऐसे ही शोर करते हैं जापानी कहा करते तो कस्टमर इज किंग और मैंने शायद आपको बहुत शुरू में यह बात शेयर भी आपके साथ की हो किंग का मतलब यह होता है कि उसकी बात को सुना जाए उसकी बात पर अमल किया जाए आप कहेंगे साहब किंग्स का जमाना तो अब नहीं रहा भाई साहब माई डियर सिस्टर माई डियर ब्रदर इफ द कस्टमर स्टाफ कमिंग टू योर कंपनी वुड एनी बडी हायर यू मुझे पता है ठीक है आप बहुत अच्छी क्वालिफाइड हैं आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं आप टूल्स भी सारे जानती हैं क्वालिटी का काम भी करती हैं You are not fulfilling the purpose of your company. You are making your customers angry. How to transform? How to deploy and match company's strength? Or if those strengths are not there in the beginning, Abhi product realised नहीं process shuru hua. इन द बिगिनिंग अभी हम क्वालिटी प्लान बना रहे हैं रिमेंबर आईसो की रिक्वायरमेंट थी व्हाट इज द क्वालिटी प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट अभी हम क्वालिटी प्लान बना रहे हैं तो ये जो टूल है हाउस ऑफ क्वालिटी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को कस्टमर सेटिस्फेक्शन में ट्रांसफॉर्म करने का एक जरिया है एंड वॉट वी आर लर्निंग इन ट्रीट लग दिस इज द पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन हाउ दॉइस ऑफ दी कस्टमर बी डिप्लॉइड अच्छा आप ही कहेंगे ये मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूं तो क्या ऐसी कंपनियां भी हैं जो वॉइस ऑफ कस्टमर को डिप्लॉय नहीं करती जी मोहतरम मोहतरमा बहुत सारी कंपनियां जो छह महीने साल बैंक से लोन लेकर पुरानी मशीनरी मंगवाकर दीवारें और हॉल बनाकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें पता होता है कि छह महीने वट लेवल दैट ऑर्गेनाइजेशन इज यू आर कमिंग इन काउंटर विथ लेकिन बहरहाल वॉइस ऑफ कस्टमर को डिप्लॉय करने के लिए और एक स्ट्रेटेजिक फोकस विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड टेक लुक ऑन द एरो इज गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड कस्टमर रिक्वायरमेंट ने इस हाउस को बिल्ड किया वॉइस ऑफ कस्टमर को हमने सुना अच्छा आप पूछेंगे ये जो टॉप पेपर हमने इसकी छत रखी हुई है छत ये छत आप टॉप पर भी बना सकते हैं ये छत आप लेफ्ट हैंड साइड पर भी बना सकते हैं ये छत इसलिए है कि आप वॉइस ऑफ कंपनी के डिफरेंट हाउस को कहा था हमने वट एंड हाउ कि कंपनी कैसे करना चाहेगी उनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है अभी हम देखते हैं कि कैसे आप उसको मुख्तलिफ चीजों को आपस में रिलेट करते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट्स so, आ गई द वेरी फर्स्ट थिंग व्हेन द कस्टमर रिक्वायरमेंट कम इन इनमें नेचुरल सब प्रोसेस है आर एफ डॉक्यूमेंट आईटी के परस्पेक्टिव में रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अब एनालिसिस एंड डिजाइन डिपार्टमेंट को दे दिया गया डिजाइन इंजीनियर्स को दे दिया गया कि लीजिए साहब ये रिक्वायरमेंट्स हैं, डिजाइन बनाइए मोटरसाइकिल का गाड़ी का बेरिंग व्हील का टायर का केक का आइसक्रीम का डिजाइन बनाइए हाउ वुड यू फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स सो दैट कस्टमर शुड बी हैप्पी तो वट इज दस्टमर रिक्वायरमेंट हाउ हाउ आए कि अब ये जो हाउ है नेक्स्ट स्टेज के अंदर अब ये वट बन जाएंगी डिजाइन हुँँ, हुँँ, डिपार्टमेंट की डिजाइन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट जो है अब वो वट हो गई उन्हें आप किसके साथ अलाइन करेंगे पार्ट्स की रिक्वायरमेंट के साथ ये जो डिजाइन डिपार्टमेंट वाले डिजाइन दे रहे हैं उसके अंदर कैपेसिटर ट्रांजिस्टर क्लच टायर बैटरी मोटर कौन सी है क्या वो पार्ट्स अवेलेबल हैं डिजाइन तो बहुत अच्छा बनाया पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है तो क्या फायदा उस डिजाइन का तो ये टूल क्या कह रहा है प्रोडक्ट अभी बना नहीं है अभी प्लान से हमें पार्ट की रिक्वायरमेंट के साथ मैच कीजिए आप में से जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के हैं दे वुड एग्री विद मी द

इसीलिए तो ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग का उसूल है कंपनीज आर ट्राइंग टू रीच विद कस्टमर्स डायरेक्टली रिटेल मार्केट के अंदर तो कई ऐसे स्टोर्स आ गए याद है मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो कंपनी इंटरनेट पर जो किताबें बेचा करती थी फिर सीडी बेचने लगी फिर टॉयज बेचने लगी एजुकेशनल टॉयज आजकल वो कहती है जान नॉन पैरिशेबल ग्रोसरी भी हम बेचेंगे तो वाली तो डिजाइन तो बन गया कि जी नॉन पेरिशेबल ग्रोसरीज भी हमारे कस्टमर्स की डिमांड है दे हैव कॉन्फिडेंस इन अस एंड दे वुड लाइक टू बाई फ्रॉम अस फूड फॉर हॉट तो खरीद ही रहे थे फूड फॉर बॉडी भी खरीदने लगे ओके पार्ट्स रिक्वायरमेंट कहां से वो फूड फॉर बॉडी आएगी सो यू हैव टू डेवलप ए सप्लाई चेन राइट पार्ट्स भी आ गए डिवेल क्वालिटी प्लान प्रोडक्ट बनने से पहले यानी यू कह लीजिए आई टी के परस्पेक्टिव में अगर मैं इस वेबसाइट की आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि प्रोडक्ट को डिलीवर करने से पहले हैवी मेड एनि क्वालिटी प्लान आईसो की भी रिक्वायरमेंट है तो देखिए यह तीसरा घर बन गया पहला था वॉइस ऑफ कस्टमर विद द डिजाइन दूसरा था वॉइस ऑफ डिजाइन विद द पार्ट तीसरा है वॉइस ऑफ पार्ट्स बाइस ऑफ पार्ट डिपार्टमेंट होगा ना ये आप इन्वेंट्री डिपार्टमेंट भी कह सकते क्वालिटी प्लान डिपार्टमेंट ये कहां पर होगा क्वालिटी प्लान की रिक्वायरमेंट्स कहां से आएंगी बताइए जरा कौन सा डिपार्टमेंट ये आपको क्वालिटी प्लान देगा अब प्रोडक्ट के बनने का टाइम आ गया तो क्वालिटी प्लान रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ मैच करेंगे वो खुद बना ले या दरमियान में अपने कुछ लोगों को ये रिस्पांसिबिलिटी दे दे प्रोडक्शन प्लानिंग एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ मैच करे वरना आप उस प्रोडक्शन प्लानिंग का क्या फायदा कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ मैच ही नहीं कर रही या आपने प्रोडक्शन प्लानिंग तो कर ली कि इस ईद पर हम पार्ट्स पार्ट भी आपके पास आ गए आपने बनानी है चलिए जेंट्स की शर्ट्स हैं तो बटन पैकिंग जो भी चीजें हैं वो पार्ट्स ही होंगे ना लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं साहब हमारे पास तो इतनी मशीनें नहीं है इतने कटर्स नहीं हैं जो उसको काट के हम उसको बना के अच्छा फिर ये तो नहीं ना कि ईद वाले दिन आप उसको डिलीवर करेंगे वो बनी है फिर वो ट्रकों के जरिए से या किसी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से रिटेलर्स के पास जाएंगी और कम से कम ईद से दो हफ्ते पहले तो होनी चाहिए ना और पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए वरना अगर वो ईद के बाद पहुंची तो किस काम की यह है जनाब इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया और उसके पीछे ये सब प्लानिंग मौजूद थी तो आई एम के कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड व्हेन इट विल रीच इन हैंड्स ऑफ और ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आती हैं मैं वहां से नहीं खरीदता हूं इसलिए कि तो महंगी बहुत वो यहां हजार रुपए में बारह सौ रुपए में बहुत अच्छी शर्ट मिलती है वहां पर वो शर्ट पैंतालीस डॉलर की चालीस डॉलर की लेकिन मुझे खुशी तो होती है It is satisfying the requirement of the customer there, and it is satisfying the requirement of the Pakistani customers. So that is the tool where the voice of customer can be deployed. This means that the voice of customer, voice of process, design process, purchase process, planning process, quality okay. planning process, production process, डिलीवरी प्रोसेस सेल्स प्रोसेस मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोसेस सारे प्रोसेस वॉइस ऑफ कस्टमर को अच्छा मैं एक और बात यहां पर कहता चलूं पहली जो आप पहला जो आपने हाउस बनाया उसमें तो वॉइस ऑफ कस्टमर वो था जो कंपनी से बाहर था जिसने एक्चुअल आपकी शर्ट खरीदनी है ठीक है उसको आपने मैच कर दिया डिजाइन डिपार्टमेंट के साथ ये बात तो यहां तक समझ में आ गई कि कस्टमर है वो एक्सटर्नल कस्टमर है सप्लायर डिजाइन डिपार्टमेंट है लेकिन जो सेकंड हाउस था उसमें कस्टमर डिजाइन डिपार्टमेंट था सप्लायर कौन था पार्ट्स डिपार्टमेंट परचेजिंग डिपार्टमेंट वो परचेज नहीं कर पा रहा उन पार्ट्स को तो कस्टमर सप्लायर तीसरे हाउस के अंदर माय डियर स्टूडेंट तीसरे हाउस में कस्टमर कौन था पार्ट्स डिपार्टमेंट परचेजिंग डिपार्टमेंट सप्लायर कौन है बताइए क्वालिटी प्लान डिपार्टमेंट और चौथी जो चौथा जो हाउस हमने देखा उसमें कस्टमर कौन था क्वालिटी प्लान डिपार्टमेंट सप्लायर कौन था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और अल्टीमेटली जब यह शर्ट इस ऑर्गेनाइजेशन से बनकर अब यह सप्लायर हो गया कस्टमर वो है जिसने आपको शुरू में रिक्वायरमेंट दी थी

कंपटीटर ए कंपटीटर बी हाउ दे आर डूंग इन कॉस्ट हाउ दे आर डूइंग ऑन डिलीवरी हाउ दे आर डूंग ऑन डिजाइन हाउ दे आर डूंग ऑन स्टाइल कोई तो मिक्सचर होता है ना जिसकी वजह से आपको किसी कंपनी की चीजें पसंद आती हैं एक रिटेल स्टोर था और है मैं यूएसए की बात कर रहा हूं मैं सेवेंटीज की बात करता हूं It was one of the best retail stores all over the United States and outside states as well. And that store, Leta, I leave it to you. You find out a kasa store aya strategy of Usne strategy. हमारी कंपनी के हमारे रिटेल स्टोर के रैक्स पर रखे हुए तमाम प्रोडक्ट और हजारों प्रोडक्ट तमाम प्रोडक्ट डायरेक्टली लिंक होंगे हमारे सप्लायर की आईटी सिस्टम्स के साथ और वो खुद वॉच करें कौन सा शैंपू कौन सा चावल कौन सा टमाटर कौन सी शर्ट कौन सी पेंट कौन सा जूता रैक पर उसकी तादाद कम हो गई है एक खास लेवल होता है कि आपको ऊपर उसके बाद आ, रिप्लेस करना होता है या रिप्लेनिश करना होता है नहीं सर हम नहीं करेंगे यू बेटर वॉच सप्लायर ने कहा ओके okay. तो कॉस्ट कम हो गई फिर कस्टमर्स को उन्होंने ये फैसिलिटी दी इट वॉज देअर बिजनेस मॉडल ब दिस न्यू कंपनी गेव अ टफ टाइम टू दिस स्टोर के प्रोसेस इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों का डाटा प्रोडक्शन से मैच नहीं कर रहा प्रोडक्शन वालों का फाइनेंस से मैच नहीं कर रहा फाइनेंस वालों का डाटा जो है से मैच नहीं कर रहा आईटी वाले स्टूडेंट्स मुझसे एग्री करेंगे डेटा इंटीग्रेशन के इश्यूज थे लेगेसी सिस्टम्स थे डाटा को कन्वर्ज नहीं कर पा रहे थे स्मार्ट 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 के, स्मार्ट के, स्मार्ट के, वेब सर्विस की हम बात कर रहे हैं तो ऑल ऑफ ए सडन दिस स्टोर बिलीव मी आई यूज देम फॉर यू ना उनकी क्रीज को कुछ हुआ ना उनका साइज शरीक हुआ मैं थोड़ा साइज में इनफ्लेट कर गया कपड़ों ने साथ नहीं छोड़ा तो मैं कैसे ना उस स्टोर की तारीफ करूं तो साहब उसका एक सीईओ आया उसने कहा लुक जेंटलमैन लेडीज वी नीड टू बिकम अ क्वालिटी रिटेल स्टोर और बिलीव मी उसका केस पढ़िए आप एग्जैक्टली exactly उन्होंने ना बात करता हूं गेट एग्जेक्टिव टू तो चीफ एग्जेक्टिव उसने कहा वी आर गोइंग टू पुट ईच एंड एवरी बिट ऑफ डेटा ऑनलाइन फॉर यूजर्स फॉर कस्टिकॉर्ड एंड वट एवर डेटा इज अवेलेबल टू मी एट द चीफ एग्जेक्टिव लेवल they're doing a good job. they're back in business. they're giving tough time to many other business how you the things within the company. when there is a will, you will find a way. provision that you can relate the importance of the customer attributes. you can find out what are the priorities of technical features. abusco, japanese company, Jinke electronic gadgets. अभी भी मैं समझता हूं वन ऑफ द बेस्ट बल्कि अब तो उन्होंने बड़ी स्मार्टनेस का उधार किया यूरोपियन तो कंपनी के साथ मर्जर एक्विजीशन यह भी एक निका है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की दू वॉन्ट टू बिकम ग्लोबली कंपिटेटिव वुड यू लाइक टू मर्ज विद समन और वुड यू लाइक टू अक्वायर सम वन वॉट इज यूर बिजनेस स्ट्रेटेजी आप पढ़ते रहते होंगे रोजाना खास तौर पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मैं नाम नहीं लेता तीन तीन कंपनियां चार हो गई तो तीन कंपनियां मर्ज हो रही हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को पूल करें और वो जो बड़ा सारा केक प्रॉफिटेबिलिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अर्न कर रहे हैं उसको डिवाइड करके खा लें अदरवाइज तीनों स्टैंड अलोन वुड बी नो गुड

उस कंपनी के कस्टमर्स पर फोकस हो जाएं और उसकी आवाज को सुने तो आई एम श्योर पीपल विल नॉट गो अवे लेडीज इस लेक्चर को सुन रही होंगी उन्होंने क्या मॉडल दिया उन्होंने कहा साहब पहली दफा आप ये फेस क्रीम खरीदिए ब्यूटी क्रीम खरीदिए नेक्स्ट टाइम जब आप लाए तो यह कंटेनर इसका ले आइए हम इसको फिल कर देंगे बट वन थर्ड ऑफ द प्राइस बिजनेस मॉडल है इनोवेशन तो कैसे नहीं हो सकती लेडीज एंड जेंटलमैन बोथ आर इनोवेटिव दे कैन डू वंडर्स भी है भी आ गए हैं पाकिस्तान में बहुत सारे बनाने वाले हैं प्लीज लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड वॉइस ऑफ कस्टमर ये हेमबर्गर की क्यू एफ डी है एज अ प्रोडक्ट है ना और उस कंपनी को जहन में लाइए जो बी की डिग्री देती है शिकागो में उनकी यूनिवर्सिटी है बी एस सी एक फन है पूरी एक टेक्नोलॉजी है हाउ टू मेक हेम्बर्गर्स एंड ऑफकोर्स थॉट दे आर द बेस्ट एंड दे आर द बेस्ट मैं आपको सारी ग्लोबल एग्जाम्पल्स देता रहता हूं ताकि आप ये ना समझें जो भी आप कहना चाहें दे केम अप विद ए फास्ट फूड स्टोर बट विद ओन टच टच ऑफ द टेस्ट ऑफ द फिलपिनी पीपल एंड बिलीव मी दे डिफीटेड दैट कंपिटिटर हु इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड दे आर स्टिल द बेस्ट इन द वर्ल्ड बट इन फिलिपीन दे आर नंबर टू और नंबर थ्री यूज क्यू एफ डी ये जो फिलपिन कंपनी में आपको बता रहा हूं द यूज क्यू एफ डी बहल लेट्स कम बैक हेम्बर्गर कस्टमर कहता है मुझे इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए भाई कैसे हो उसको तो नहीं पता टेस्ट अच्छा होना चाहिए। जूसी होना चाहिए न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी होनी चाहिए ठीक है All right. और राइट कस्टमर और यह कहता है उसकी विजुअल अपील भी अच्छी हो या देखिए है तो हेमबर्गर ना हो लेकिन वो कुछ ऐसा देखने में नजर आए कि मुझे जरा भूख लग जाए अब कैसे वो हो आई डोंट नो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी हु इज गिविंग हु इज प्रोवाइडिंग मी दिसंबर और चौथी बात गुड वैल्यू वैल्यू फॉर द मनी ये तो चार वॉइस ऑफ कस्टमर की रिक्वायरमेंट है अब आइए साहब वॉइस ऑफ कस्टमर वो वन वर्गर अच्छा आप मुझे बताइए कि आप ये चारों आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसका टेस्ट भी ठीक हो कीमत भी उसकी तरह रीजनेबल हो और देखने में भी पैक किया हुआ अच्छा नजर आए और चौथी क्या बात है न्यूट्रीशन अच्छा न्यूट्रिशन से तो मुझे याद आया कि कम अज कम मुझे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नजर आया ऑस्ट्रेलिया के अंदर यह जो बेस्ट फास्ट फूड स्टोर ऑफ द वर्ल्ड है वो हर हेमबर्गर और हर चीज जो वहां बेचते हैं उसका लीफलेट साथ देते हैं आई वो सरप्राइज हेमबर्गर खरीदने गए साथ ब्रोशर भी दे दिया साहब इसके अंदर हैं इतने ग्राम ये बीफ है पैटीज के अंदर ये है बंद के अंदर ये है और जना फला है फलां वो है पूरा एक पैकेज जो यहां लिखा है ना न्यूट्रिशन फैट कितनी होगी कोलेस्ट्रॉल कितनी होगी पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो

कौन और चीजियां लिखी हुई बड़ी इंटरेस्टिंग सोडियम कंटेंट। आप कहेंगे ये सोडियम का क्या ताल्लुक इससे आ गया बिल्कुल जनाब जो लोग खासतौर पर सीनियर सिटीजन और एडल्ट जो यूज करते हैं इट हैज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द नर्वस सिस्टम इट हैज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विद योर इंटलेक्चुअल कैपेसिटी सोडियम पोटासियम मैं इस तफसील में नहीं जाता लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात हम कर रहे हैं सो इफ यू एडवर्टाइज दैट आवर बर्गर इज हेल्थी आवर बर्गर इज लो एज कंपेयर टू आवर कंपटीटर्स देखिए ना नीचे लिखे हुए हैं कंपिटिटर ए कंपिटिटर बीस आपने ये हैमबर्गर की प्लानिंग करके उसको डेवलप करके डिजाइन किया डेवलप किया डिलीवर किया कंपिटीटर को भी इवेलुएट किया देखिए राइट हैंड साइड के ऊपर लिखा हुआ है हाउ वी आर डूइंग, इवेल्युएट किया थ्रू सर्वे थ्रू मीटिंग फोकस ग्रुप मीटिंग, हाउ वी आर डूइंग हाउ आवर कंपिटीटर ए इज डूइंग हाउ आवर कंपिटीटर बी इज डूइंग दैट्स हाउ यू ट्राई टू कंपेयर इफ यू वॉन्ट टू कंपीट इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड यू मे बी वर्ल्ड लीडर ट हेयर कम्स फिलिपीन एंड कम्स अप विथ द एक्सिलेंट एग्जाम्पल माइडियर स्टूट यह तो थी मेट्रिक्स एनालिसिस मेट्रिक्स डायग्राम और मेट्रिक्स डेटा एनालिसिस तीसरा टूल एफिनिटी डायग्राम देखिए यहां हमने फोकस कर रहे हैं या फेल्यूर कास्ट की वजह से आ रही है एफिनिटी कि क्वालिटी कॉस्ट की एफिनिटी किसके साथ है इक्विपमेंट के साथ और फेलियर कॉस्ट के साथ रिमेंबर अब पढ़ के आए थे इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट उसको फिर उसकी तफसी लिखिए देखिए हाउ यू आर डूइंग वट फैक्टर हैज एफिनिटी विद विच फैक्टर चौथा टूल ट्री डायग्राम यू डिवेलप ट्री फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है कि क्वालिटी कॉस्ट सिस्टम आपने डेवेलप करना है तो क्वालिटी कॉस्ट सिस्टम के अंदर फिर आपकी इंटरनल फेलियर कॉस्ट कितनी है वर्क स्कैप उसमें आएगा ना तो पहला राइट हैंड साइड पर सेकंड कैटेगरी पर क्या आ जाएगा इंटरनल फेलियर दरम्यान में बॉक्स में एक्सटर्नल फेलियर थर्ड में चूंकि कॉस्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं करेक्टिव एक्शन इसी तरह फिर उसकी डिटेल लिखिए एंड ट्राई टू फाइंड प्लानिंग टूर रिमेंबर वी सेट दी आर प्लानिंग टूल्स यू सी डाउन यू नो योर प्रोसेस यू कैन फाइंड आउट हाउ यू कैन डू इट बेटर

दुनिया के तमाम मुल्कों को मात दे लेट्स लर्न फ्रॉम दैम ये वो टूल्स हैं माई डियर स्टूडेंट्स जो हम कहने को तो कहते हैं इट गिव्स यू स्ट्रैटेजिक एक्सेलेंस दीज आर टू बी इंप्लीमेंटेड एट द स्ट्रेटेजिक लेवल एंड लेट मी शेयर विद यू द सीनियर मैनेजमेंट दे मस्ट एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज फोकसिंग ऑन द नीड्स ऑफ द कस्टमर और राइट If they are focusing on the needs of the customer, then they should promote the mission, vision, values of the organization. promote. they should go around, talk to the people why we are here, why do we want to serve the customer? how do we want to serve the customer? this senior management responsibility Number three, senior managers identify the process which needs improved. चौथी बात हम कर रहे हैं कि सीनियर मैनेजर्स मस्ट रिव्यू द प्रोग्रेस अब बात करते हैं मिड मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजिक एक्सीलेंस टैक्टिकल एक्सिलेंस मिडिल मैनेजमेंट एंड द मिडिलूव ऑपरेशनल प्रोसेस व्हिच आर द फाउंडेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड दे मस्ट ही स्पिरिट ऑफ टीम इसलिए एक हर ऑफ द डिपार्टमेंट पांच दस पंद्रह लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है और फिर उसके बाद

वर्कर्स उन्हें भी क्वालिटी को और क्वालिटी स्ट्रेटेजी को इंप्रूवमेंट प्रोसेस ये जो गेट एग्जेक्टिव है उनकी ये जिम्मेदारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखिए डेली तो मशीनों पे उन्होंने काम करना है फ्लोर पे उन्होंने काम करना है सो दे मस्ट नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स डे टू डे प्रॉब्लम्स और हम फिर आपको और आपके जरिए से उनको आपको तीनों लेवल की बातें बताई जा रही हैं स्ट्रेटेजिक लेवल टेक्टिकल लेवल ऑपरेशनल लेवल हाउ टू ब्रिंग स्ट्रेटेजिकल ऑपरेशनल ऑपरेशनलेंस और आपके जरिए से उनको पहले आप लर्न करेंगे एंड स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टूल्स डेटा गैदर करेंगे एनालाइज करेंगे रूट कॉज देखेंगे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे सोल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे और फिर नेजमेंट मस्ट वर्क विदर्स क्वालिटी टीम लेकिन आई एम ग्लैड द बिग ऑटोमोब कंपनी दे आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जापान में तो क्वालिटी सर्कल का कॉन्सेप्ट यह है इट्स अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम बट दे वुड नॉट वर्क टू थिंक अबाउट क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लानिंग ऑन द कंपनी टाइम और देखिए आखिरी लफ्स नोट कीजिएगा यूनियन भाई मेरे मेरी बहन ये जो यूनियंस हैं मतलब देखिए वो अगर अपने वर्कर्स की बेनिफिट के लिए उनके बोनस के लिए उनकी ट्रेनिंग के लिए उनकी एजुकेशन के लिए उनकी फैमिली के लिए अगर कोई मिलकर एक आवाज आपके पास लेकर आते हैं तो आपको दुश्मन को समझते हैं दे आर देयर टू हेल्प यू आउट वो काम नहीं करेंगे तो डॉलर कहां से आएंगे ऐसी भी मिसालें हैं लोगों ने यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को Board of directors, board of managers, Kendalagadi. They were like prison. And that is how you develop. And you come up with that kind of way that which becomes the best in the eyes of the market. And that is what counts. My dear students, the implementation of strategy is by all three C level manager.

ये जो बेसिक क्वालिटी टूल हैं, इनको लर्न करेंगे डे ऑपरेशनल एक्सेलेंस बिकॉज विदाउट गैदरिंग द डेटा वी कैन नॉट मैनेज विदाउट द फैक्ट्स कंट्रोलिंग मेजरमेंट बोथ हैज टू गो टू गैदर एंड दिस इज द रोल ऑफ द मैनेजर एंड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू लर्न एंड दैट यू मेक इट लर्न टू द पीपल यू वर्क विथ विल यू